आज जो हमारे कोविड अस्पताल हैं MPH हॉस्पिटल और MRTV अस्पताल, उनका निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, चाहे वहाँ ICU की व्यवस्थाएं हो, चाहे पेशेंट्स की वार्ड्स में व्यवस्थाएं हों। व्यवस्थाओं से अमूमन बहुत सारे मरीजों से बातचीत भी की है, अमूमन लोग संतुष्ट हैं उसमें। कुछ नई चीज़ें करने के लिए हम लोगों ने बोला, एक तो अभी तक काढ़ा इन लोग को उपलब्ध नहीं हो पाया, काढ़ा हम लोग देने का शुरू करेंगे आपसे, आयुष विभाग से वो काढ़े के पैकेट प्राप्त करके। दूसरा, हर वार्ड में अब हम लोग TV लगाएंगे ताकि लोगों के मनोरंजन का भी कोई साधन हो, क्योंकि दिन भर वो लोग एक तरह से निगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सभी वार्ड्स में अब हम लोग एक एक टैबलेट देंगे विथ हाई स्पीड कनेक्शन, जिससे इनको अपने परिवारजनों से वीडियो कॉल करा सकें, ताकि अपने परिवार से बात करके उनको देख के एक सकारात्मक ऊर्जा किसी मरीज के अंदर आती है और उसमें ठीक होने की इच्छा और प्रबल होती है इसमें। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सभी जगहों पे बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस इस बात पे है कि हम कोई डेथ्स ना होने दें, जो भी हमारे क्रिटिकल पेशेंट हों उनको डे नाइट केयर मिले और हम उनको ठीक करके बाहर निकाल के लेके आएँ। पेशेंट्स की संख्या भी अब हम लोग MRTV में और MPH में, चूँकि कैपेसिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे बढ़ाने के मैंने निर्देश दिए हैं। और कम से कम MPH में हमको हमारे पास 200 प्लस पेशेंट्स होने चाहिए और यहाँ पे कम से कम 50 प्लस पेशेंट्स एनी टाइम हमारे पास होने चाहिए। दोनों जगहों पे हम लोग बेड कैपेसिटी भी बढ़ाने जा रहे हैं और पूरा ये प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से के हॉस्पिटल से इस कोविड की लड़ाई में पूरा सहयोग प्राप्त हो।